हेलो फ्रेंड, एसबी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एमपी सिंह आपके इस चैनल के माध्यम से मनोविज्ञान से संबंधित कक्षाओं का शुरुआत करने जा रहा हूँ और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि मनोविज्ञान विषय जो निकला है, ये अंग्रेजी शब्द का विषय है जो साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइको जो शब्द है वो साइकी और लोगस शब्द से बना हुआ है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस का मतलब होता है अध्ययन। साइकी और लोगस दो शब्दों से बना हुआ है। अब इसका मतलब हुआ कि आत्मा का अध्ययन इसको कहा जाएगा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। लेकिन मनोविज्ञान का भी विकास एक धीरे धीरे सतत रूप से चला, क्योंकि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में एक तरीके से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में आया। अब मनोविज्ञान पहले दर्शन विषय का हिस्सा था, दर्शन जिसका नाम सुना होगा दर्शन शास्त्र। इस विषय से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब दर्शन भी एक तरीके से आत्मा परमात्मा का अध्ययन करता है। इसीलिए शुरुआती समय में मनोविज्ञान को कहा गया कि यह आत्मा का अध्ययन करता है। आत्मा का अध्ययन या इसे कहा गया आत्मा का विज्ञान कहा गया, जिसके समर्थकों में हैं प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। इसको कहा गया, कौन कौन समर्थक हैं? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, तीनों का नाम आया कि ये लोग आत्मा का विज्ञान इसे मानते हैं। उसके बाद जो इसकी शुरुआत हुई, इसको फिर कहा गया कि मन का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान का वास्तविक जो अर्थ है वो मन का ही विज्ञान है, जिसके समर्थक हैं टीपी नन। मनोविज्ञान को ये टीबी मन नन महोदय मन का विज्ञान मानते हैं। तीसरा जो है चेतना का विज्ञान के समर्थकों में विलियम जेम्स का नाम आया, जो इसके बाद जो 20वीं शताब्दी के अंत में आया, उसको मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान अब व्यवहार का अध्ययन करता है। अब इसका जनक जो कहा जाता है वो वाटसन को कहा जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में हम वाटसन को मानते हैं, इसका जनक है। लेकिन इसके समर्थकों में वुडवर्थ, पाउलो और स्कीनर ये तीन नाम आते हैं इसके समर्थक में। अब इस तरह मनोविज्ञान जो विषय था, पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया,
फिर इसको मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। अब इसके अलग अलग समर्थक हैं। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन था। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। उसके समर्थकों में वुडवर्ड, पावलोव, स्किनर, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये मनोविज्ञान के विकास की एक शुरुआत है। मनोविज्ञान चूंकि दर्शन विषय से निकला, अब दर्शन से स्वतंत्र होकर ये अस्तित्व में, इसीलिए एक परिभाषा वुडवर्ड महोदय ने दिया कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्याग किया, फिर मन को त्याग किया, फिर चेतना को प्रत्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन कर रहा है मनोविज्ञान कर रहा है। अब बात आती है कि मनोविज्ञान तो विकास किया, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये कहा गया कि मनोविज्ञान चूंकि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, अब मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन कर रहा है मनोविज्ञान, अब इसी से अलग करके एक भाग और बनाया गया, विकसित किया गया, जो छोटे बच्चों के लिए, जिसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है कि आज बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों के बारे में जानने के लिए जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब बाल मनोविज्ञान एक विस्तृत रूप से अध्ययन की बात है। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो विकास, बाल विकास या विकास की बात की जाती है, तो विकास एक व्यापक शब्द है। जब बात आएगी मानव विकास, तो मानव विकास को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये 5 भाग जो है मानव विकास के हैं। जैसे कहा गया कि गर्भावस्था जिसको कहा गया 9 माह 10 दिन, ये गर्भाकाल मनाता है 9 माह 10 दिन। दूसरा लिखा जाता है शैशवावस्था, शैशवावस्था की अवस्था मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष, ये शैशवावस्था की अवस्था कहा गया है। तीसरा है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था मानी गई। और तीसरा है किशोरावस्था की अवस्था को माना गया 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था। और चौथा है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था की अवस्था जो मानी गई वो 19 वर्ष से 60 वर्ष तक। ये विकास के अवस्थाएं हैं। दिखा जाता है गर्भावस्था जिसका अध्ययन करते हैं, 9 माह 10 दिन की अवस्था गर्भावस्था का आ गया, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष, चौथा प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा गया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बाल मनोविज्ञान चूंकि 3 ही अवस्था का मुख्य रूप से अध्ययन करता है, ये शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है। अब चूंकि बाल मनोविज्ञान के जो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के 5 पक्ष हैं, लिखा जाता है कि बाल विकास के कितने पक्ष हैं, बाल विकास के 5 यहां से सीटेट और यूपीटेट दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास के कितने पक्ष हैं। तो हम लिखते हैं पहला पक्ष होता है
पहला पक्ष है शारीरिक पक्ष, क्या बोलते हैं शारीरिक पक्ष, पहला पक्ष क्या है शारीरिक पक्ष है। दूसरा पक्ष लिखते हैं मानसिक पक्ष, क्या बोलते हैं मानसिक पक्ष। तीसरा पक्ष बोलते हैं संवेगात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। चौथा बोलते हैं सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष बोलेंगे। और पांचवा बोलेंगे नैतिक पक्ष। यहां यह हमने देखा कि पांच पक्ष हैं। पहला पक्ष हमने कहा शारीरिक पक्ष है, दूसरा हमने कहा मानसिक पक्ष है, तीसरा संवेगात्मक पक्ष है, चौथा सामाजिक पक्ष है और पांचवा नैतिक पक्ष है। यानी बाल विकास के कुल पांच पक्षों का हम अध्ययन करते हैं। बाल विकास की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं और पांच पक्ष हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। अब शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था के बारे में तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या किया। चूंकि एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, जिन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चों का काल है या बालकों का काल है, बालक का काल के रूप में 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने माना है। यानी आज 20वीं जो शताब्दी है वो बच्चों का काल है, बाल विकास का काल है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा ही है। आपका जो राष्ट्रीय पाठचर्या है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका निर्माण NCERT ने किया, उन्हें कई बातों पर सबसे अधिक बल दिया। पहला बात कहा कि बच्चों को ही ध्यान में रखकर उन्हें करके सीखने पर बल दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा कि बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से जोड़कर शिक्षण प्रदान किया जाए। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा कि पढ़ाने नहीं बल्कि सिखाने पर जोर होना चाहिए, क्योंकि सिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी बात जो कहा कि दंडात्मक व्यवस्था को अवरोध दिया जाए। पांचवी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए, कक्षा में शिक्षक और छात्र के अनुपात को निश्चित करने की बात का। छठी बात जो कहा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ये पांच छः सात बातें जो राष्ट्रीय पाठचर्या ने कहा वो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो शिक्षा के लिए जरूरी होने चाहिए और उन्हीं के बारे में ये कहा गया। अब बात आती है कि पहला ही चैप्टर आपके मनोविज्ञान में है कि बाल विकास है क्या, जैसे लिखा रहता है बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास का अर्थ यानी बाल विकास है क्या। अब मैंने अभी आपसे बाल विकास के बारे में बात किया कि बाल विकास का जो हम अध्ययन करते हैं उस शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में कहा गया। एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर महोदय कहते हैं कि बाल विकास सतत और धीमे धीमे चलने वाली प्रक्रिया है। अब इनका ये मत है कि किसी काल में विकास की तीव्रता अधिक होगी, किसी में विकास की तीव्रता कम होगी। जैसे आप देखते हैं कि शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है या संवेगात्मक विकास है। ये विकास भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न तरीके से होगा, इसकी बात ये करते हैं। ये कहते हैं कि शारीरिक विकास पहले कुछ तीव्र होगा फिर धीमे होता है। इसीलिए ये बाल विकास का अर्थ है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के बारे में की जाती है। अब स्किनर कहते हैं कि बाल विकास सतत और धीमे धीमे चलने वाली प्रक्रिया है, यानी
बाल विकास कभी कोई कोई पक्ष, जैसे बच्चा पैदा होता है पहला शैशवावस्था में, लिखा रहता है शैशवावस्था, वैसे शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष सामान्य रूप से माना जाता है, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से कभी कभी लिखा रहेगा कि तकनीकी दृष्टिकोण, तकनीकी दृष्टिकोण से कभी कभी लिख दिया जाता है कि जन्म से 3 वर्ष की अवस्था, जन्म से 3 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था है। शैशवावस्था मान लेते हैं जन्म से 3 वर्ष की अवस्था तकनीकी दृष्टिकोण से, और 3 से 6 वर्ष की अवस्था ये पूर्व बाल्यावस्था शब्द दिया गया, पूर्व बाल्यावस्था शब्द दिया गया। यानी तकनीकी दृष्टिकोण से जब कहा जाता जन्म से 3 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था, 3 से 6 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था। अब एक प्रश्न यहां और भी बनता है कि जन्म के समय बच्चों का भार कितना होगा, जन्म के समय बच्चों की लंबाई कितनी होगी, जन्म के समय बच्चों में हड्डियां कितनी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भार लिखा रहता 7 पाउंड या 3 kg, 3 किलोग्राम लिखा रहता है कि 7 पाउंड या 3 kg उसका भार होगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, अमूमन यूपी टेट सी टेट में तो अक्सर नहीं बोलता, लेकिन यूपी टेट में कभी कभी प्रश्न करता है कि जन्म के समय बच्चों का भार क्या होगा, या दूसरा पूछ दिया जन्म के समय बच्चों की लंबाई कितनी होगी। लंबाई तो लिखा रहेगा जन्म के समय बच्चों की लंबाई 51 सेंटीमीटर होगी, या पूछ दिया जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, ये हड्डियां कितनी होंगी। तो लिखा रहेगा जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, 270 हड्डियां लगभग पाई जाएगी। अब शैशवावस्था के बारे में वैलेंटाइन ने लिखा, बहुत अच्छी बात लिखा, यह सीखने का आदर्श काल है। यह पूछा जाता है कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा, वैलेंटाइन ने कहा कि यह सीखने का आदर्श काल है। फ्रायड कहते हैं कि जो भी बच्चे का व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। फ्रायड कहता है कि बच्चों का जो भी व्यवहार होगा वो मूल प्रवृत्ति आधारित होगा, फ्रायड ऐसा मानते हैं, फ्रायड का मत है। उन्होंने ही कहा कि जो भी बच्चे को बनना होता है वो 4 से 5 साल के बीच बच्चा बन जाता है। लेकिन अब ये इनका यह मत है कि बच्चा जो 4 से 5 साल के बीच बन जाता है, यानी उसके निर्माण की अवस्था मानते हैं, और इसी काल को शैशवावस्था को इन्फेंट कहा गया। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब अपनी अभिव्यक्ति को ना कर पाना, इसीलिए इन्फेंट शब्द का प्रयोग शैशवावस्था में कहा गया। और इसी समय कहा गया ओडिपस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ की बात करते हैं, देखते हैं ओडिपस, ओडिपस भावना ग्रंथ क्या रहेगा, ओडिपस भावना ग्रंथ क्या है ये, ओडिपस भावना ग्रंथ किसे कहते हैं, जब लड़का अपनी माँ से प्रेम करे तो उसको ओडिपस कहा गया। जब लड़का क्या करता है, लड़के या बालक माँ से प्रेम करे तो उसको कहा गया ओडिपस भावना ग्रंथ कहा गया। दूसरी अवस्था जो कहा गया, दूसरी ग्रंथ की बात की गई, वो कहा गया इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ क्या होती है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि वह होती है जब लड़कियां अपने पिता से प्रेम करें। ये शैशवावस्था के बारे में कहा गया कि इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होगी, ये यहां कहा गया ओडिपस भावना ग्रंथ,
जब लड़के अपनी माँ से प्रेम करें, और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ उसे कहा गया जब लड़कियां अपने पिता से प्रेम करें, ये भावना ग्रंथ कहा गया। सरसोवस्था में और भी चीजें हैं, जैसे वाटसन महोदय ने लिखा सरसोवस्था में कि तीन मूल संवेग होते हैं, तीन मुख्य संवेग पाए जाते हैं। तीन मुख्य संवेग क्या है? अब संवेग के बारे में लिखा गया है, संवेग भाव में उथल पुथल होना या उत्तेजना में आना संवेग कहा गया। अब उस समय ये कहते हैं जो भी संवेग होते हैं वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित हैं, जैसे जो मुख्य रूप से है, जैसे लिखा गया कि वाटसन के अनुसार भय, क्रोध या प्रेम, या इसी को कभी कभी लिख देते हैं प्रसन्नता, ये मूल संवेग मानते हैं। ये कहते हैं बच्चों में भय होगा, क्रोध होगा और प्रेम, तीन मूल संवेग माने जाते हैं सरसोवस्था की अवस्था में। कहा गया भय, क्रोध और प्रेम, ये मूल संवेग माने जाते हैं। शुरुआती दौर में जो बच्चे होते हैं, यानी जन्म के समय बच्चे धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए एक शब्द आता मनोविज्ञान में कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, या प्रत्येक बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होगी। प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है या व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। तो यहाँ सरसोवस्था के बारे में कहा गया कि शुरुआती दौर में जो है बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्योंकि मानसिक विकास मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक विकास जन्म के समय बच्चों में नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप की तरफ बढ़ता है। जैसे लिखा रहता है नैतिक विकास, जन्म के समय बच्चा नैतिक नहीं होता, लेकिन सामाजिकरण के द्वारा धीरे धीरे उसमें नैतिकता का की शुरुआत होती है। इसीलिए लिखा रहता है कि प्रारंभिक समय में बच्चे परिवार के साथ या बड़ों का अनुकरण करके सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसीलिए लिखा रहता है कि सरसोवस्था में ही सामाजिकरण शुरू होता है। सामाजिकरण क्या है? समाज के अनुरूप अपने को ढालने की शुरुआत, समाज के जो भी नियम कानून है उसके अनुसार अपने को ढालने की शुरुआत करता है। इसीलिए लिखा रहता है सामाजिकरण की शुरुआत सरसोवस्था से होती है। सामाजिकरण का प्रथम स्थान क्या है? परिवार है। लिखा रहेगा परिवार, परिवार के लोगों का बच्चा अनुकरण करता है, यानी नकल करता है, और धीरे धीरे अपने अंदर सामाजिकरण के गुणों को समाहित करता है। जो भी चीज को बच्चा देखता है उसके अनुरूप बच्चा जो है अपने अनुसार वो सीखता है। इसीलिए लिखा रह गया सामाजिकरण की शुरुआत सरसोवस्था से होगी। सामाजिकरण का प्रथम स्थान क्या है? परिवार है। धीरे धीरे जब बच्चा परिवार से निकलकर जो है पास पड़ोस में जाता है, तो पास पड़ोस के बच्चों के साथ मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से धीरे धीरे उनमें सामाजिक विकास की भावना डेवलपमेंट होने लगती है। अभी बात कहा गया ये सरसोवस्था की अवस्था के बारे में कहा गया। दूसरी अवस्था जो होती है उसको कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कई बातें बाल्यावस्था के बारे में कही गई है। जैसे रास महोदय हैं, एक मनोवैज्ञानिक, कहते हैं रास कि यह एक मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या कहा गया? मिथ्या परिपक्वता का काल। जैसे मिथ्या परिपक्वता का काल रास ने बाल्य अवस्था के बारे में कहा गया। दूसरा लिखा गया औपचारिक शिक्षा की शुरुआत। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत, इसका आशय यह है कि बच्चे का जो वास्तविक शिक्षा की शुरुआत होती है, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत मानी गई वो बाल्य अवस्था से कहा गया। लिखा गया कोल और ब्रूस महोदय ने इसे संवेगों का अनोखा काल कहा। संवेगों का अनोखा काल,
ये पूछा जाएगा संवेगों का अनोखा काल, तो ये संवेगों का अनोखा काल बाल्यावस्था को ही कहा गया, क्योंकि संवेगों का प्रदर्शन धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, पूरी तरह सीख जाता है, संवेगों पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देता है, तो लिखा गया संवेगों का अनोखा काल। इसी को कहते हैं समूह का काल, समूह का काल, या इसी को कहते हैं टोली भावना, टोली भावना का विकास, लिखा जाता है टोली भावना का विकास। अब एक कभी कभी मनोवैज्ञानिकों ने लिखा कि पूर्व बाल्यावस्था का मतलब है 6 से 9 वर्ष, लिखा गया यह खिलौनों का युग कहा गया, खिलौनों का युग, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे खिलौनों को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लिखा रहता है खिलौनों का युग। इसी को पोल ब्रूस महोदय ने संवेगों का अनोखा काल कहा, रास ने कहा मिथ्या परिपक्वता का काल है, मिथ्या इसलिए परिपक्वता काल कहा, ना बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर होता है पर इसीलिए मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया। इसी समय को परिपाक काल 9 वर्ष से लेकर, इसी समय 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक परिपाक काल कहते हैं, 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को परिपाक काल का मतलब है कि बच्चा अब परिपक्वता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए क्या कि परिपाक काल इसी काल को कहा गया, बाल्यावस्था को ही परिपाक काल कहा गया। एक प्रश्न कभी कभी आता भी है कि बच्चे अपने समूह के सदस्य कब बन जाते हैं, तो बाल्यावस्था की अवस्था मानी जाती है, और उसी समय बच्चों में देखते हैं खेल के मैदान में धीरे सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में अपने विद्यालयों में, तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी तीव्रता से होता है, लिखा रहेगा संज्ञानात्मक विकास तीव्रता से होता है, तीव्रता से संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक बात और भी पूछी जाती है कभी कभी कि बाल्यावस्था में बच्चों की हड्डियां कितनी हो जाएंगी, तो बाल्यावस्था में आपको मैं बताना चाहता हूं कि हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, वो लगभग 350 तक जो है हड्डियां हो जाती, क्योंकि और उसी के बाद जब किशोरावस्था का है तो हड्डियों की संख्या जुड़कर 206 हो जाती है। इसीलिए लिखा रहता है व्यस्क मानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो लिखा रहेगा 206 होती है। तो बाल्यावस्था सीखने का आदर्श काल है, सॉरी मिथ्या परिपक्वता का काल है, संवेगों का अनोखा काल है, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का काल है, समूह का काल कहा गया, टोली भावना का काल कहा गया, टोली भावना मतलब बच्चों के साथ जुड़कर वो धीरे धीरे टोली बनाता अपना जो है बनाता है, ये सब चीजें। हाँ, बाल्यावस्था में होता है कि कुछ शारीरिक विकास में जो तीव्रता शैशवावस्था में होती धीरे धीरे कम हो जाती है, और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण काल के बारे में हम लोग कहते हैं, तीसरा जो अवस्था होती है वो किशोरा अवस्था के बारे में हम मानते हैं, या किशोरा अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी अवस्था में बच्चे एक तरीके से डेवलपमेंट पूरा हो जाता, लिखा रहता है कि किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लगभग 16 वर्ष तक पूरा हो जाएगी। लड़कियों की लंबाई कितने वर्ष तक पूरा हो जाएगी, 16 वर्ष तक पूरी हो जाएगी, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक पूरी हो जाएगी, लड़कों की लंबाई लगभग 18 वर्ष तक पूरी हो जाएगी। लंबाई के बारे में पूछा जाता है कि लड़कियों की लंबाई कितने वर्ष में पूरा हो जाएगी, 16 वर्ष में, लड़कों की पूछेगा तो 18 वर्ष में पूरी हो जाएगी, ये लिखा रहता है। बुद्धि का विकास संपूर्ण लगभग 16 वर्ष में पूरा हो जाएगा,
बुद्धि का विकास जो है लगभग 16 वर्ष में पूरा हो जाएगा। किशोरावस्था के बारे में एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल, सबसे चर्चित मनोवैज्ञानिक जो कहा जाता है वह है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल जिन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखा, बहुत चर्चित पुस्तक बन जाती है किशोरावस्था के बारे में। स्टैनले हॉल ने जो पुस्तक लिखा है एडोलसेंस सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जिन्होंने बहुत अच्छी किशोरावस्था का विस्तृत अध्ययन किया और किशोरावस्था के बारे में इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में ही कि यह संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध का काल है। संघर्ष का काल कहा, तनाव का काल कहा, तूफान का काल कहा और विरोध का काल कहा, इसलिए कहा संघर्ष का काल क्योंकि इस समय बच्चा सांवेगिक रूप से धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस समय उसे चिंता भविष्य की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको परिवर्तन का भी काल कहा गया। एक मनोवैज्ञानिक है बिग्गी और हंट, बिग्गी और हंट, बिग्गी और हंट कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है, वह है परिवर्तन। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को एक शब्द में संबोधित किया जा सकता है, वह है परिवर्तन। बहुत अच्छी बात लिखा, परिवर्तन यानी सबसे ज्यादा बच्चों में परिवर्तन जो होता है वो तो किशोरावस्था में है। क्यों? क्योंकि लंबाई उनकी पूर्ण हो जाती है। दूसरी बात है बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, संवेग पूरी तरह, संवेगों का विकास भी पूर्ण हो जाता है। संवेगिक जो अभिव्यक्ति है एक तरीके से धीरे धीरे अस्थायी होने लगती है। स्वर में भी देखते कि किशोरा अवस्था में आप देखेंगे कि जो स्वर या आवाज में लड़के और लड़कियों में बदलाव हो जाता है, लड़कियों की आवाज मधुर और लड़कों की आवाज में गंभीरता या कहते हैं भारीपन आ जाता है। तो लिखा रहेगा किशोरावस्था परिवर्तन काल है। इसी समय बच्चों में देखते हैं सामाजिक गुणों का विकास बहुत तेजी से होता है या सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। लिखा रहेगा कि सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है, तो लिखा रहता है सामाजिक विकास पूर्ण हो जाएगा किशोरावस्था में। नैतिक विकास भी देखते हैं किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है, जो भी नैतिकता का विकास होना होता है नैतिक विकास। आदतों का निर्माण भी लगभग पूरा हो जाता है, लिखा रहता है किशोरावस्था में आदतों का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो किशोरावस्था के बारे में कहा गया, इसी समय बच्चों में देखते हैं राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रति उनका झुकाव जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच को लेकर किशोरावस्था में लिखा रहता है होती है। ये सब जो भावनाएं हैं ये भी जो भावनाएं किशोरावस्था में लिखा रहता है, वीर पूजा की भावना, विषम लिंगीय प्रेम लिखा रहता है, लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण भाव जो होता है वो किशोरावस्था में है। ये सब चीजें जो किशोरावस्था के बारे में लिखा गया कि किशोरावस्था एक तरीके से जो है पूर्णता की तरफ अग्रसर नहीं बल्कि पूर्ण हो जाता है। इसी समय भविष्य के प्रति इनकी सबसे ज्यादा चिंता होती है कि भविष्य में रोजगार को लेकर या जो भी और भी चिंता है, समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति इनकी चिंता ज्यादा होती है। ये सब चीजें किशोरावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक निर्माण का काल पूरी तरह मानते हैं। अब यहाँ जो स्टैनले हॉल है किशोरावस्था को तीन भाग में बांट दिया, जैसे लिखा पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था दूसरा जो लिखा मध्य किशोरावस्था, और तीसरा लिखा उत्तर किशोरावस्था, उत्तर
किशोरा अवस्था, पूर्व किशोरा अवस्था के बारे में ही इन्होंने कहा, ये जो कथन है उनका, यह संघर्ष तनाव तूफान विरोध का काल है। उन्होंने पूर्व किशोरावस्था के बारे में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि किशोरावस्था की किस अवस्था को कहा गया कि यह संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध का काल है, तो लिखा रहेगा पूर्व किशोरावस्था के बारे में ही यह कहा गया कि यह संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध का काल है। तो ये जो तीन भाग हैं जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, कभी कभी आपको किताबों में गर्भावस्था की बात भी कर देंगे कि गर्भावस्था बाल विकास की अवस्था, लेकिन सामान्य रूप से आप देखेंगे तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का ही विकास होता है। अब उत्तर प्रदेश जो टेट है या टीटी परीक्षा लेता है, कुछ सामान्य साइंस से संबंधित भी जानकारी वो पूछ लेता है। जैसे पूछ दिया मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, ऐसा भी प्रश्न कभी कभी किया। तो मानव शरीर की, मैं मित्रों बताना चाहता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर है। लिखा रहेगा कि फीमर जो जांघ में पाई जाती है। दूसरी प्रश्न कभी कभी करता, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या है, तो लिखा रहेगा जबड़े की हड्डी, हड्डी जिसको मेंडुला कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, लिखा रहता है कभी कभी, तो कान में स्टेप्स पाया जाता है जिसको मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में गिना जाता है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी कर देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है, तो जब ग्रंथ की बात करेगा तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथ होती है वो यकृत या लीवर कहा जाता है। लिखा रहेगा अभी प्रश्न और घुमा देता है कभी कभी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो लिखा रहेगा थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो कभी कभी प्रश्न कर देता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो पीयूष या प्यूटिटरी ग्रंथि कहा जाता है। अब ऐसे भी प्रश्न कभी कभी सी टेट में कर देते हैं कि मानव शरीर रचना से भी प्रश्न उन्होंने किया है। जैसे पूछ दिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, तो हमको आपको बताना है कि यकृत कही जाएगी या लीवर कही जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ की बात जब हम करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि थायराइड है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जब पूछते हैं तो हम बताते हैं पीयूष या प्यूटिटरी है। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी आपसे कर देंगे। अब जैसे मानव विकास के को या बाल विकास को क्या क्या प्रभावित करेगा, एक प्रश्न आता है कि बाल विकास को क्या क्या प्रभावित करेगा। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता मानव विकास किस पर आधारित है, सबसे बड़ी बात कहा गया, तो लिखा रहेगा वंशानुक्रम या अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया या योग मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास मतलब बाल विकास भी कहा जाएगा, तो लिखा रहेगा बाल विकास को क्या क्या प्रभावित करेंगे। या कभी कभी पूछेगा तो बाल विकास को वैसे तो मुख्य चीज दो ही प्रभावित करते हैं, एक लिखा रहेगा वंशानुक्रम, क्या लिखा रहेगा वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, दूसरा लिखा रहेगा वातावरण। इसीलिए लिखा रहता है मानवीय विकास वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया है या योग है, जो दोनों मिलकर मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो ही कारक हैं, अन्य तो गौण है। जैसे लिख दिया व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति का स्वास्थ्य, जैसा अरस्तु कहता है, या अरस्तु ने बहुत अच्छी बात लिखा था, लिखा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, बहुत अच्छी बात लिखा। ये बहुत अच्छी बात इसलिए है कि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक विकास या मानव विकास भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में बहुत अच्छी बात लिखा गया कि वंशानुक्रम यदि अच्छा भी है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो विकास संभव नहीं है। इसीलिए अरस्तु का जो कथन है, लिखा रहेगा वंशानुक्रम के साथ साथ अन्य भी कारण है, लिखा रहेगा स्वास्थ्य, लिखा क्या रहेगा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लिखा जाएगा कि मानव विकास को स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करेगी,
जिका रहेगा मानवीय विकास को और क्या प्रभावित करेगा, आर्थिक स्थिति जिका रहेगा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ये भी प्रभावित करेगी, जैसे कह दिया परिवार, परिवार भी प्रभावित करेगा, ये सब गौर चीजें हैं, लेकिन मुख्य चीजें वंशांतर और वातावरण ही है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा, जितने भी हम तो आपसे बात ही कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम और आगे इस चैनल को ले जा सकें, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।